बुलडोजर एक्शन पर रोक का सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश पूरे देश में जारी रहेगा। तिरुपति लड्डू विवाद, आंध्र प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक रोकी एसआईटी जांच। मुंबई पुलिस गोविंदा के घर से जांच करके लौटी, सुबह खुद की गलती से चली गोली से घायल हुए थे एक्टर। बदलापुर बच्चियों से छेड़छाड़ का मामला, स्कूल चेयरमैन और सचिव की अग्रिम जमानत खारिज। दिल्ली सीमा पर हिरासत में लिए गए एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे। बरेली में आनंद बनकर छात्रा से रेप करने वाले दोषी अलीम को उम्र कैद की सजा, पहचान छिपाने के लिए बांधा था कलावा। मिर्जापुर मंदिर में रखे दानपात्र को लेकर हुआ बवाल, फायरिंग में चली गई एक जान। इसराइल ने बेरूत में लेबनान के सरकारी न्यूज चैनल अल सीरत टीवी के मुख्यालय पर गिराए बम। फुमियो किशिदा ने जापान के प्रधानमंत्री पद से दिया इस्तीफा, शिगेरु इशिबा होंगे नए पीएम। और कानपुर टेस्ट में भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से रौंदा, सीरीज में 2-0 से किया क्लीन स्वीप। इस बुलेटिन में इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव न्यूज 24। नमस्कार।